तो फाइनली हम आज उस वीडियोस में पहुंच ही गए जहां पे आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हर कोई करता है, फ़ायदा उसी को होता है जो उस पर अमल करता है, राइट। तो मेरे ख्याल से मैं 8 to 12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और 8th के बच्चे कोई इतने छोटे नहीं होते कि उन्हें कुछ समझ में ना आए, और स्पेशली आज के ज़माने के बच्चे जो कि आप लोग हैं। आप लोगों को मोबाइल चलाना बहुत अच्छे से आता है, एप्लीकेशन में क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं करना है हर चीज़ आती है। लेकिन जहाँ मैंने देखा है कि पढ़ाई के लिए अगर आपको एक्टिवेट होना है, वहाँ पता नहीं आपका सर्वर क्यों डाउन हो जाता है या आपका मोबाइल क्यों हैंग खा जाता है। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं किस के बारे में कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके दिमाग के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आखिर क्यों ऐसा होता है कि आप लोग पढ़ाई से इतना जी चुराते हैं, प्रॉब्लम क्या है पढ़ने में? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपने अपनी पढ़ाई से अगर ऐसा जू चुराएंगे तो कैसा चलेगा बताइए। मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो बच्चे अच्छे हैं ठीक है, जिनको पढ़ाई में मन लगता है, मैं उनके लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, बाकी अदर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन जहाँ आपको अपनी स्टडी के बारे में डिस्कस करना रहता है, बातचीत करना रहता है, वहाँ आप आखिर ऐसा क्यों, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो क्लासेस स्टार्ट करने के पहले मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में कहता हूँ, आज फिर कहूँगा, कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का मैथ से रिलेटेड डर ख़त्म हो जाए। अब ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते वो तो आप ही बताएंगे मुझे कमेंट करके, कि अगर लिटरली मैं अगर आपको मैथ से रिलेटेड डर लगता है तो मैं आपको बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बहुत सारी वीडियोज़ आपके यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन आप उन वीडियो को कितना देखते हैं और उन बातों पे कितना अमल करते हैं, चाहे वो मैथ्स की ट्रिक की बात हो या किसी मोटिवेशनल वीडियोस की बात हो, आप सुनते हैं, एंटरटेन कर देते हैं लोगों को, इनफैक्ट शेयर कर देते हैं, अपने स्टेटस में डाल देते हैं, वाह क्या स्टेटस है, सामने वाले भी बढ़िया अच्छी बात है तारीफ़ कर देता है, लेकिन क्या आपने उन सब बातों को अपनी लाइफ में अमल किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर आप लिटरली मैथ्स के डर को हटाना चाहते हैं तो एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए और सीख लीजिए, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अब जान रहा कि मैंने क्लास से रिलेटेड टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ आप मेरे कंसेप्ट की वीडियो आधा घंटा 15 मिनट जो भी है अब वो देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, और विदाउट प्रैक्टिस तो फिर क्या बताएं, नो कमेंट। तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे लिए मेहनत करें। मैं आपको कोई वीडियो शेयर लाइक सब्सक्राइब के लिए कोई इंसिस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपकी चॉइस है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन उन सबसे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप मेरे बताए हुए कंसेप्ट को समझें, उसको फॉलो करें, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जिसको कोई समझ नहीं होती है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा मेरी उंगली पकड़ो, मेरे साथ साथ चलते रहो। देखिए बातों बातों में बहुत अच्छी बात निकल गई है, तो बस मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो की उंगली पकड़िए और चुपचाप चलते रहिए, कहीं भी मैं ये कहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन मेरी बातों को सुनना नहीं है, उस पर एप्लीकेबल भी करना है। और जो बच्चे, सीधी सी बात है, जो बच्चे अप्लाई करेंगे मेरी बातों को, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली उनके मैथ्स में बहुत जल्दी ही, इनफैक्ट मैं कोई आपसे 1 महीना 2 महीना 3 महीने की बात नहीं करूँगा, आपके इसमें 10 to 15 days में आपके सारी प्रॉब्लम मैथ से रिलेटेड ख़त्म हो जाएगी। और जो डर वाली बात है, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जिन बच्चों को मैंने फेस टू फेस पढ़ाया है, वो मतलब उन मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। आप इस बात को माने ना माने, लेकिन ये मेरे लिए ट्रूथ है। वो मैथ से डरते थे, लेकिन जब वो मेरे साथ बैठ के पढ़ते हैं लाइव, बिल्कुल फेस टू फेस,
तो मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। ये भगवान की मेरे पे कृपा है कि हाँ, कि मैंने आप लोगों से जो प्रॉमिस किया वो मैंने फुलफ़िल किया। बात तो तभी है ना कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे आप भी मिलके, मैं भी मिलके, लेकिन मज़ा तो तब है कि जब हम उस बातों को हैंड्स प्रूफ करके बताएं और रिजल्ट ला के बताएं। बस मेरा इतना ही कहना था। आराम से, शांति मन से, रिलैक्स होकर आप मेरी वीडियोस देखें और उन सब बातों को वन बाय वन फॉलो करें। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके 8th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। लेक्चर तो आपको मिल ही चुका है कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन जिस पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है वो आप ज़रूर कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस की। प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सारी वीडियोज़ होती हैं, देखते हैं कि आखिर सवाल कैसे बनते हैं, ठीक। तो एक्सपोनेंट एंड पावर शुरू करने के पहले मैं आपको फिर से सारे उसके रूल्स रेगुलेशन फिर से बता दूंगा एक मिनट में फटाफट, और हम फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन को धीरे धीरे अपन हार्ड करते चले जाएंगे। 2 से 3 वीडियो, ज़रूरत पड़ी तो 4th वीडियो भी बनाएंगे, ठीक। तो आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम और माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो आज का पहला क्वेश्चन प्रेजेंट है आपके सामने। -2/5 होल टू द पावर -4, राइट। छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। आपने रूल्स पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर का, बेस सेम, पावर प्लस, फाइन, पावर सेम, बेस मल्टीप्लाई, राइट। अगर डिवाइड में क्वेश्चन हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, राइट। कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर में अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट होता है 1। ये आपके 4 रूल्स हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बिल्कुल बताते चलूँगा। साथ में एक नोट, ध्यान से सुनिए, चाहे आपका क्वेश्चन हो या आंसर हो, ठीक, वो कभी भी नेगेटिव पावर में नहीं होना चाहिए। मैं बड़े आराम से बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन हो या फाइनल आंसर जो आप प्रेजेंट करेंगे, हाँ दैट्स इट, अब इसके बाद नहीं सॉल्व होना, तो वो आपका नेगेटिव पावर में नहीं होगा, गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके रूल्स रेगुलेशन है, जो बातें मैंने बताई आखिरी में वो भी ध्यान रखें। रैंडमली जो यूज़ होता है वो आप वन बाय वन लगाते जाइए। तो जैसे कि मैंने भी बताया, क्वेश्चन हो या आंसर, आपका नेगेटिव पावर में नहीं रहेगा। यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को लगा देते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, 2 सेकंड 5 सेकंड रुक के। मैंने क्या किया, अब इसको इंटरचेंज करूँगा। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एक्सपोनेंट पावर बनाया है उस पर मैं बता चुका हूँ कि वैल्यू अपनी जगह से इंटरचेंज होती है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे किसका साइन चेंज होगा, ये इक्वल टू में नहीं जा रही है, ये तो अपनी जगह पे बदल रही है, तो पावर कैसा हो जाएगा आपका, ये हो गया सॉरी 5/2 और ये हो गई पावर आपकी पॉजिटिव, फाइन। अब इसको सॉल्व करना है तो नेगेटिव भी है, 5/2 भी है, होल की पावर 4, और 4 कैसा है आपका, इवन नंबर। तो अगर वैल्यू, अगर नीचे वाली वैल्यू बेस अगर वो आपकी नेगेटिव होती है तो पावर
ऑड के केस में, मैं यहां लिख देता हूं, नेगेटिव वैल्यू पावर ऑड, तो आंसर विल बी नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू पावर इवन, तो आंसर पॉजिटिव। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, राइट। तो सेम साइन मल्टीप्लाई के केस में, मेरी बेसिक क्लास याद कीजिए, तो आंसर आपका पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक, दो दो करके, यहाँ पे भी दो सेम साइन, मैंने दो दो साइन करके बताया था, तो ये आपका हुआ इसका पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिला के आपका मल्टीप्लाई हो गया, चलो सेम साइन, यहाँ पे सेम साइन पॉजिटिव, एक बज गया नेगेटिव, दो दो का पेयर बना के चला हमने, तो आपका कैसा आ गया नेगेटिव। अब यहाँ मैंने एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिया, पावर आपकी अगर इवन और ऑड है, तो इवन के केस में देखिए, यहाँ मैंने तीन माइनस लिया था, तो कितने हैं आपके माइनस तीन, जो कि ऑड नंबर है, तो आंसर आपका कैसा आएगा नेगेटिव। अब आपके माइनस साइन कितने हैं मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में, तो आपका आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे फोर माइनस है। आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, इसको तो मैंने बता ही दिया है, तीन डिफरेंट है, तो इन दोनों का प्लस, ये माइनस, फिर डिफरेंट साइन, ये अब यहाँ पे ये सेम साइन प्लस, फिर इसको आपने इंटू किया, तो ये आ गया फाइनली आपका पॉजिटिव, फाइन। आगे बढ़ते हैं, अब तो पावर आपकी इवन, तो ये आ गया पॉजिटिव, जिसको आपको शो करना मैंडेटरी नहीं है। फाइव को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए और टू को भी फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए भी हम इतना ज़्यादा समय ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप अच्छे से समझ सकें। 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 25 25 25 6 25 4 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। आंसर कभी भी नेगेटिव पावर में नहीं होना चाहिए, वैल्यू हो सकती नीचे प्लस माइनस हो सकता है, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोशिश करें, फाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस टू बाय सेवन होल टू द पावर -4 इंटू -7 बाय 5 होल टू द पावर 2। चलिए, आपके रूल्स हैं, आपके पास नोट्स है, वन बाय वन अपन रैंडमली जो हमको समझ में आता है वो अप्लाई करते जाते हैं। मैंने देखा ये जो वैल्यू है इसकी पावर कैसी है नेगेटिव, तो पहले मैं इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ, तो ये हो गया, मैं माइनस साइन ले लेता हूँ सामने, 7 बाय 2, ये पावर आपकी हो गई पॉजिटिव। यहाँ पे इसके साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने देते हैं। आप क्वेश्चन को सीखते सीखते अपने कंसेप्ट भी लगाना शुरू कीजिए, सीखिए इसे, इसके बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं, जानते हैं आप, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूल आगे पीछे कर सकते हैं। ब्रैकेट खोलते हैं, इसकी पावर आपकी कैसी है इवन, तो ये हो गया 7 बाय 2 टू द पावर 4, और ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इनटू, इसकी पावर भी कैसी है आपकी इवन, तो इवन में ये फिर से हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पावर 2 और ये हो गया पावर। फिर फ्रैक्शन का रूल क्या बोलता है कि भाई वैल्यू ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे नीचे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 7 टू द पावर 4। मुझे जैसा क्वेश्चन दिखते जा रहा है मैं आपको सॉल्व करवाते जा रहा हूँ, यही चीज़ आपको सीखनी है। रूल तो पढ़ के सवाल आप भी बना लेंगे, सीखना क्या है कि आप दिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और कोई इसका ऐसा नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में चलना है,
आप रूल आपको जो दिख रहा है वो आप एप्लीकेबल कीजिए। अब अपनी आंखों पे तो भरोसा करेंगे आप, जो आपको दिख रहा है तो वो रूल आप फटाक से लगा दीजिए क्वेश्चन में। ये हो गया 2/4, 2 to the power 4 और ये 5 to the power 2। अब इसको देखिए, यहाँ पे बेस सेम पावर प्लस, तो 7 की पावर में 4 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, बेस भी अलग पावर भी अलग, तो या तो आप उसको मल्टीप्लाई करके पूरा ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर डालिए, या तो फिर वैसे ही उसको रहने दीजिए। तो मैंने इसको क्या लिख दिया फिलहाल, तो ऐसा। और ये हो गया आपका 7 की पावर 6, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। कोई भी पावर आप देख सकते हैं उसकी नेगेटिव नहीं है। फाइन, आराम से धीरे धीरे सीखिए, अभी तो सेकंड क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखूँगा। 2 to the power -1 डिवाइडेड बाय 5 to the power -1, ये हो गया एक ब्रैकेट में, होल टू द पावर 2 अगेन इनटू -5/8 और होल टू द पावर -1। लगाइए क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। तो मैंने कैसा शुरू किया, पहले ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये जो पावर है इन दोनों का है, तो पहले मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेता हूँ। ये नीचे 1, ये आपको पता है, इसको नीचे लेके आया, मुझे पावर नेगेटिव नहीं रखनी है, पॉजिटिव हो गया, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइड अपनी जगह, ये भी पॉजिटिव हो गया, होल स्क्वायर -8/5 इंटरचेंज कर दिया और ये बन गया ब्रैकेट। आपकी आपका -1 जो है वो ऑड है, तो माइनस लगा हुआ है। फाइन, यहाँ पे फ्रैक्शन का रूल लगाइए। वीडियो पुरानी ज़रूर देख लीजिएगा, 1/2 डिवाइड की जगह इनटू 5/1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर में फिर क्वेश्चन के साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट, आप उसको प्राइम नंबर में चेंज कर लीजिए अगर वो पावर चेंज होती है। जैसे कि 8 है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अगर ऐसा कर लेंगे तो सारी वैल्यू आपकी कंप्रेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी वो सब, फिर ये रूल्स जो है आपके आराम से आप लगा लेंगे। नंबर को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। तो ये 8 है, 5 वैसे भी प्राइम में आ रहा है, तो भाई वो तो ख़त्म हो गया। इसको मैंने क्या कर लिया, 2 to the power 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये हो गया 5। ब्रैकेट खोलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये पावर सबका है, इनटू है, तो सिंपली सब पे पावर लग जाएगा। इनटू भी कर देते हैं, 5 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, इनटू -2/3, 2 to the power 3 एंड 5। आप ज़रा गौर कीजिए, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 5 यहाँ है 5 यहाँ है। फिर एक छोटा सा पॉइंट, कोशिश कीजिए कि जिधर बड़ी पावर है और पॉजिटिव है, राइट, सिंपल बता रहा हूँ, पावर जिसकी ज़्यादा है और वो पॉजिटिव, क्योंकि बाद में आपको नेगेटिव पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ लेके जाइए और जो पॉजिटिव है। तो ये फ्रैक्शन, तो मैं 5/2, ये 5 की पावर 1 है, इसको इसके पास लेके जा रहा हूँ, इनटू 5 to the power -1। यहाँ नेगेटिव है ही है, इसको मैं सामने यूज़ कर लेता हूँ, 2 और ये पॉजिटिव और बड़ी पावर, और ये 2 को लेकर चले जाता हूँ यहाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे आप रूल लगाइए, बेस सेम पावर प्लस, तो 5 to the power 2 -1 इनटू 2 to the power 3 -2, तो फाइनल आंसर आपका हो गया
5 की पावर में 1 इंटू 2 की पावर में 1 और ये सामने माइनस, तो 5 टू ज़ा 10 और ये हो गया आपका आंसर। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ब्रैकेट के अंदर इनटू देखा, डिवाइड देखा और पावर नेगेटिव देखी। अब अपन प्लस माइनस पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 6 टू द पावर माइनस 1 माइनस 8 टू द पावर माइनस 1 ब्रैकेट होल टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 माइनस 3 टू द पावर माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 1। क्वेश्चन तो वही बनाने में मज़ा है ना, जिसको देखते सही तो ऐसा लगे कि पता नहीं क्या सामने वाले ने क्वेश्चन दे दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इंटू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस प्लस है, मैं दोनों बोलूँगा लेकिन माइनस है। अब सबके नीचे 1, ये आपको मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, इतना नॉलेज आपको होगा। चेंज किए सबको, डिनोमिनेटर में लेके आए 1/6 पॉजिटिव माइनस 1/8 होल टू द पावर माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 होल टू द पावर माइनस 1। थोड़ा मैं डिटेलिंग हो सकता है ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। इनटू में हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर लिया था, अब माइनस प्लस के केस में पहले आप उस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तब उसके बाद उसको चेंज करेंगे। फाइन, चलिए तो फ्रैक्शन का वीडियो के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग आप देख लेते हैं। डिनोमिनेटर कैसा है भाई, सेम नहीं है। 6/8 = 48 क्रॉस मल्टीप्लाई 8। फाइन, ये ब्रैकेट, ये माइनस 1 अपनी जगह। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2/3 = 6 3/2 - 1 8 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़ी वैल्यू का साइन, ये आ गया 48 प्लस सेम 1/6। ओके, ठीक, प्लस मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। इसको आप कैंसिल कर कर चेंज कर लीजिए या फिर साइन चेंज करने के बाद कैंसिल कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, 2/2 = 2, 4 = 4 एक साथ अपन साइन चेंज कर लेंगे ऐसा समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने चेंज किया, साइन को पॉजिटिव करना है, उसके बिना सॉल्व नहीं होगा। 24 ऊपर आ गया, नीचे 1 आ गया, 1 शो नहीं कर रहे हैं, प्लस 6 ऊपर और 24 + 6 = 30। ये आपका साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। आप अपने रूल ध्यान से 1/1, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सीखिए, आप रूल्स लगाना सीखिए, सवाल आपको बनाना खुद ब खुद आ जाएगा। फाइन, चलिए एक और क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6/-1 + 3/2 - 1 और होल टू द पावर माइनस 1। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ तक के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ साइन चेंज करना है, ये करना है, वो करना है और ये रूल को लगाने की कोशिश कीजिए, फिर हम टफ क्वेश्चन में जंप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी 1 या 2 दिन में। रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, लास्ट क्वेश्चन है, रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, बस उस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ मैंने नीचे लेमन लगाया, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, चेंज कीजिए, 1/6 प्लस 1 को शो नहीं करना है, 2/3 पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस के केस में जब वो सिंगल फ्रैक्शन बनेगा तब आप पूरे को चेंज करोगे, डिनोमिनेटर चेक कीजिए नहीं है, 6 3 18 क्रॉस मल्टीप्लाई 3, 6 2 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 + 3 15 बाय 18, ये आपका बन गया सिंगल फ्रैक्शन। कैंसिल करके चेंज कर दीजिए या अभी कैंसिल चेंज कर दीजिए फिर कैंसिल कर लीजिए, एक ही बात है, 3 5 और 3 6 और फाइनल आंसर इज 6/5 और ये हो गया आपका आंसर, वैल्यू इंटरचेंज हुई और आवर हो गई पॉजिटिव। फाइन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आपके काम भी आ रही होगी, काम आ रही है तभी मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। ओके, ख़त्म करने के पहले ज़रूर कहना चाहूँगा और मेरे हर टॉपिक में आपको ये लाइन ज़रूर सुनाई जाएगी कि भाई रूल्स को अपन को चेंज नहीं करना है, उन चंद रूल्स को पकड़ के आपको क्वेश्चन बनाना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप NCERT सॉल्व कर लीजिए, RD शर्मा सॉल्व कर लीजिए, RS अग्रवाल सॉल्व कर लीजिए, मेरा ये पर्पज़ नहीं है। आपने अगर टर्म्स एंड कंडीशन समझ गए किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उसके रूल को जान गए, तो दुनिया की कोई भी किताब हो आपके पास क्वेश्चन बनना चाहिए। मैं सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से ये RD शर्मा या RS अग्रवाल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने कंसेप्ट को बारीकी से बेसिक्स से डीप में जाके और प्रैक्टिस करने के बाद अगर समझा है तो कोई भी किताब हो उस टॉपिक में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।